हेलो अनुराधे आदि दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये अष्टमी की शाम का ब्लॉग है। सो यहाँ पर तांशु भी अपना खेले में लगे हुए हैं अपने टॉय से। ये ब्लॉग्स वाले टॉयज हैं जो हैं इनके, तो ये मतलब ये सही रहते हैं बच्चों के लिए। बच्चे इनमें बिज़ी रहते हैं कुछ ना कुछ बनाने में, अपना लगे रहते हैं। तांशु भी लगे हुए, पता नहीं क्या बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट लगे हुए हैं। और मम्मी यहाँ किचन में लगी हुई हैं। आज मम्मी का फास्ट है अष्टमी का, तो मम्मी सिंघाड़े के आटे की कतली बना रही है। तो मम्मी ने सिंघाड़े का आटा जो है हल्का सा भून लिया है घी में, उसके बाद पानी डाल करके जो है इसको अच्छे से पका लेंगी और फिर थाली में घी लगा करके जमने रख देंगी। और आज से मम्मी का ही फास्ट है। पापा सौरभ ये तो रखते ही नहीं है, और मैं रखती हूँ, लेकिन मेरा जो है नौदुर्गा का फर्स्ट डे का ही फास्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो इसलिए फिर जब फर्स्ट डे का नहीं हो पाया, तो फिर लास्ट डे वाला भी मैंने नहीं रख पाया है। और हमारे यहाँ ना सिंघाड़े के आटे की कतली ना सभी को बहुत पसंद आती है, इसलिए मम्मी ने ज़्यादा सी बनाई है सभी के लिए। और दूध और दही के साथ खाओ ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ये मम्मी ने दो थालियों में रख दी है जमने के लिए, थोड़ी सी बची थी तो एक छोटी सी प्लेट में और निकाल करके रख दी है अलग से। और जब ये कतली ठंडी हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने नाइफ से इसके जो है पीसीस कर लिए, जैसे बर्फ़ी के पीसीस होते हैं ना, ऐसे पीसीस बना लिए हैं इसके। और थोड़े से आलू भी बॉईल किए हैं मैंने कुकर में मम्मी के लिए, तो जो है घी में काली मिर्च और जो व्रत वाला नमक होता है लाहौरी नमक डाल करके वो आलू फ्राई कर दूंगी मम्मी के लिए। और अभी रात के बज रहे हैं 10:30, और गली की जो महिलाएं हैं, बच्चे वगैरह हैं, वो सभी मिल करके यहाँ पर डांडिया कर रहे हैं, तैयार हो करके लहंगा वगैरह पहन करके। सो ये माता रानी के दरबार के आगे ही डांडिया हो रहा है यहाँ पर। और इस प्रोग्राम में सभी महिलाओं और जितनी भी लड़कियाँ वगैरह सभी को शामिल होना था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी वीकनेस है अभी। वैसे तो पहले से बेटर हूँ, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस है अभी, तो इसलिए फिर मैं जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने बस देर दूर से बैठ करके देखती रही थी, और बस ऐसे ही बैठे बैठे देख करके प्रोग्राम को एंजॉय कर रही थी। और ये प्रोग्राम काफ़ी देर तक चलता रहा है, मतलब 1-1.5 बजे तक लोगों ने खूब इन्जॉय किया है, डांस मस्ती धमाल सब कुछ किया है। और मतलब जो है भगवान के सॉन्ग्स पे भी डांस किया, हरियाणवी सॉन्ग्स पे भी डांस किया, सबने मिलकर के खूब मस्ती की। और गली के सभी लोग यहाँ इकट्ठे थे, तांशु भी जो है प्रोग्राम को देख के इन्जॉय कर रहे थे, उनको भी नींद नहीं आ रही थी। और देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, उस साइड भी बैठे हुए हैं, और हमारे घर की साइड में भी बहुत सी लेडीज़ वगैरह बैठी हुई हैं। और कुछ देर तक सभी ने डांडिया किया, फिर गरबा किया, उसके बाद फिर सब हरियाणवी सॉन्ग पर अपने मस्ती करने लगे थे। जैसे जैसे स्टेप्स आ रहे थे वैसे डांस कर रहे थे सभी लोग। सभी लोगों से मेरा मतलब है जो भी डांस कर रहे थे वो, और बाकी तो सभी देख करके इन्जॉय कर रहे थे प्रोग्राम को। और इन सबको डांस करता हुआ देख करके ना मेरा भी मन कर रहा था डांस करने का। ज़्यादा डांस आता तो नहीं है, बट 1-2 ठुमके तो लगा ही लेती हूँ। और तांशु को भी शौक चढ़ा है डांडिया करने का, ये स्टिक मिल गई है किसी दीदी से, इन्होंने ले लिए हैं और खुद करने लग रहे हैं डांडिया अकेले ही अकेले। मुझसे बोल रहे थे मम्मा आप भी करो, एक स्टिक आप पकड़ लो, एक मैं पकड़ ले रहा हूँ, हम दोनों मिल करके डांडिया करते हैं। मैंने बोला कि टैग बज रहा है वहाँ माता रानी के, सब लोग डांडिया कर रहे हैं, वहाँ जाकर करो डांडिया, तो नहीं तो उनको शर्म आती है, अपने अकेले अकेले करने लग रहे हैं। और ये देखिए बाद में जो है ग्रुप चेंज हो गए थे, लड़कियों का ग्रुप एक तरफ हो गया, जो महिलाएं थी उनका ग्रुप एक तरफ हो गया। और वैसे ना ऐसे छोटे छोटे फंक्शन हर महीने में 1-2 बार होते रहने चाहिए, इससे ना जो लेडीज़ होती हैं उनको अपने लिए टाइम मिलता है, वरना तो उनकी ज़िंदगी घर के काम में ही निकल जाती है।
और अपनी लाइफ कभी इंजॉय नहीं कर पाती, बट ये ऐसे मौके होते हैं जो उनको अपनी लाइफ इंजॉय करने का मौका देते हैं। और अभी नवमी वाले दिन की सुबह हो गई है, तो आज रामनवमी है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ मम्मी की पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, मम्मी पापा दोनों मिलकर के पूजा कर रहे हैं। और ये मम्मी ने 1 किलो हवन सामग्री रखी हुई है मंसने के लिए, जो कि मम्मी यहाँ गली में हवन होगा ना उसमें मंस देंगी, तो पंडित जी करेंगे, सभी लोगों का मिलकर हवन होगा उसमें मंस देंगी। और हलवा चना बनाया है माता रानी के भोग के लिए और कन्या लांगुरों को देने के लिए। और पूजा पाठ करने के बाद फिर मम्मी मंदिर गई थी, मंदिर से आकर के फिर ये मम्मी ने कन्या पूजन किया है। और आज के दिन ना कन्याएं मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के लानी पड़ती हैं। और अभी भी देखो सिर्फ ये 2-3 कन्याएं मिली थी, ज़्यादातर ये सब लांगुर बैठे हुए हैं। और आज हमारे तांशु भी लांगुर के रूप में बैठे हुए हैं, इसलिए मम्मी ने उनके भी पैर धुले और पैर छुए हैं टीका लगा करके। और यहाँ मम्मी ने सभी कन्याओं लांगुरों को जो है प्लेट में प्रसाद दे दिया है, हलवा चना केला जलेबी और पैसे दे रखे हैं, साथ में बतासे भी रखे हैं। और ये गली में चल रही है भंडारी की तैयारी, तो प्रसाद वगैरह बन रहा है, पूड़ी सब्जी हलवा चना ये सब बन रहा है, तो गली के सभी लोग मिल करके जो चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर उनसे ये भंडारा किया जाता है। और मम्मी ने 2-3 कन्याएं पूछ पाई थी, फिर एक घर में ये 6-7 कन्याएं आई थी, तो मम्मी ले आई हैं उनको पकड़ के, तो फिर ये सारी कन्याएं मम्मी ने पूजी हैं। और आज के दिन ना बच्चों की बड़ी मौज होती है, फिर बाद में सभी बच्चे ना इकट्ठे होकर के अपने अपने पैसे गिनते हैं कि किसको कितने मिले, किसको ज़्यादा मिले किसको कम मिले। तांशु भी बड़े खुश थे, तांशु ने भी अपने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, जहाँ से भी मिले अपने पॉकेट में डाल रखे थे, मुझे नहीं दिए, अपने नेकर की पॉकेट में ही डाल लिए थे उन्होंने। और हम भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे, जब भी मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ कन्या पूजन में जाती थी, मेरे साथ में और भी लड़कियां होती थी कन्या पूजन में जाती थी, तो उसके बाद कन्या पूजन के बाद शाम के टाइम फिर हम सभी फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे होकर के अपने अपने पैसे काउंट करते थे किसको कितने मिले। और अभी सुबह माता रानी की आरती हुई थी, तो आरती में तो शामिल हो ली थी मम्मी, प्रसाद नहीं ले पाई थी, सो अभी बस मम्मी पापा प्रसाद लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रसाद बट रहा है आरती होने के बाद। और आज भी साड़ी की थीम रखी गई है, तो आज रेड कलर की साड़ी की थीम रखी गई है, जिनको पता है उन्होंने पहन ली है रेड कलर की साड़ी, और जिनको नहीं पता है वो फिर अभी चेंज करेंगे, तो मम्मी को भी नहीं पता था, तो मम्मी भी अभी चेंज करके रेड कलर की साड़ी पहनेंगी। और यहाँ पर ये हवन स्टार्ट हो गया है, जो जोड़े से वो अपने जोड़े से बैठे हैं, और जो मतलब जिनके हस्बैंड बाहर काम पे गए हैं वो अपना अकेले हवन कर रहे हैं। और मतलब एक साथ तो सभी लोग जो है हवन में सामग्री नहीं डाल सकते हैं, तो सभी को मतलब एक दोना जो है जिसमें हवन सामग्री भर के दिया गया, और एक खाली दोना दिया गया है, तो जैसे ही पंडित जी सुहा बोलते हैं तो भरे हुए दोने में से सामग्री लेकर के लोग खाली दोने में इकट्ठे करके डाल रहे हैं, फिर जो है जब ऐसे भर जाएगा वो खाली दोना, उसके बाद उसको जो है हवन में डाल देंगे। तो ऐसे करके कली के सभी लोग जो है हवन में शामिल हो गए हैं। और मैं पूजा नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं हवन में शामिल नहीं हो पाई, अपनी जगह मैंने तांशु को जो है बिठा दिया था हवन में। और यहाँ पर हवन होने के बाद फिर माता रानी को जो है हलवा चना का भोग लगा, खीर का भोग लगा है, और उसके बाद फिर ये कन्या लांगुर बिठाए गए हैं। और वैसे तो कुछ लोगों ने अपने घरों में ही जो कन्या लांगुर पूज लिए थे, जिन्होंने अपने घरों में नहीं पूजे थे उन्होंने यहाँ पर जो है पूज लिए हैं कन्या लांगुर। और तांशु खाना खाने के बाद जो है बार बार खड़े हो रहे थे, और मम्मी बार बार बिठा रही थी कि अभी खड़े मत हो, अभी ये जब सब लोग सारे बच्चे उठेंगे तब खड़े होना। और आज के दिन ना यहाँ मेरी मायके की गली में मतलब एक उत्सव सा माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है।
और तांशु जो है सारा सामान फैला करके सब चले गए थे, तो सब मैंने सब ला करके सेट किया है। और ये देखिए तांशु को जो है पेंसिल, इरेजर और एक ये प्लेट मिली है प्लास्टिक की, तो वो अपना, और एक ये चिप्स का पैकेट मिला है। तो पेंसिल और जो इरेजर है ना कार्टून वाली, तो उसको देख करके बड़ा खुश हो रहे थे। और वैसे हमारे तांशु बहुत उद्यमी है, लेकिन इनमें एक आदत अच्छी है, अगर इनसे कोई भी चीज़ मांगो ना तो तुरंत सबके साथ शेयर कर देते हैं, मना कभी नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स अभी फ्राइडे हो गया है और अभी गली में माता रानी की विदाई की तैयारी चल रही है, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।